हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शो। तो आज 3 महीने बाद मैं किसी ट्रेन की ड्राइंग बनाने वाला हूँ, जो कि WAG 7। और ड्राइंग ट्यूटोरियल के साथ साथ मैं आप लोगों को कलरिंग के भी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यूज करता हूँ, जिससे आप लोग भी बिल्कुल ऐसी ड्राइंग बना सकोगे। चलिए सबसे पहले मेजरमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे पेपर पे, जो कि पेपर के राइट वाले एच से 173 mm, लेफ्ट को पेपर के नीचे वाले एच से 35 mm ऊपर। फिर उस पॉइंट पे आप लोग प्रोटेक्टर रख के स्क्रीन पे सोने वाले सारे एंगल्स को मार्क कर लेंगे। हम लोग पहले वाले पॉइंट और बाकी ये सारे पॉइंट्स में से लाइन पास करा, तो जितने डिग्री वाली लाइन पे आप लोग को जितने mm श्योर है स्क्रीन पे, उतने mm आप लोग मार्क कर लेंगे। मेजरमेंट्स आपके लिए थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, मगर ये बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। ये हम लोग की ड्राइंग का पूरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। छोड़ के बाकी सारी लाइन्स आप लोग इरेज कर देना। ये वीडियो में आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं कौन कौन से पॉइंट्स को मिला के क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारा बेसिक ड्राइंग स्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है। हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इतनी सारी डिटेल्स देख के हम लोग को घबराना नहीं है। अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करेंगे तो हो जाएंगी ड्रॉ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ड्राइंग को कलर करने के लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल कलर पेंसिल्स का यूज किया है, जो कि डोम्स के हैं, और थोड़े बहुत स्केच पेन और ब्लैक पेन भी। कलरिंग के स्टेप नंबर 1 में हम लोग स्केच पेन और ब्लैक पेन की मदद से वहाँ ब्लैक कलर कर देंगे जहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। फिर ये वाले कलर पेंसिल्स आप लोग अपने साथ रख लेना, फिर आपसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोग कलर कर लेना। नीचे ब्लैक बैकग्राउंड बनाने के लिए चारकोल पेंसिल्स का यूज किया है। अगर आप भी ऐसे इफेक्ट लाना चाहते हैं तो आप किसी भी ग्रेफाइट पेंसिल से ला सकते हैं, और कॉटन की मदद से हम लोग उसको ब्लेंड कर सकते हैं। फिर जब आपकी पूरी कलरिंग खत्म हो जाए तो आप ये ट्रिक अपनाना, मेरी खुद की बनाई है। आपने जिस कलर का कलर पेंसिल यूज किया आप उसी कलर के आसपास का स्केच पेन भी यूज करना। कलर पेंसिल पर आप लोग एक स्केच पेन की लेयर चढ़ा देना, फिर आप लोग उसको किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश या कॉटन की मदद से ब्लेंड कर देना। ये कलर पेंसिल ब्लेंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी जरूर से ट्राई करना। लेकिन बस आपके ये ट्रिक तब काम नहीं आएगी जब आपने कलर पेंसिल को बहुत ही लाइट किया होगा। पूरी ड्राइंग करने में मुझे 10 घंटे से भी ज्यादा लग चुका है। चैनल पे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हर हफ्ते आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।